मुकदमा नंबर 80/24 में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय और राहत दिलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। पूर्व पार्षद व राजस्थान हज कमेटी के सदस्य मुबारक अली चीता और कांग्रेस के नेता वाजिद खान चीता ने समाज के लोगों के साथ गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समाज की बेटी की नृशंस हत्या के मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बताया कि गांव खरेकड़ी में मरहूम अमराजी की लड़की मुमताज उम्र 30 वर्ष लगभग, जिसकी शादी गांव गोवलिया तहसील मसूदा ब्यावर में हुई थी। मजदूरी के चलते मुमताज अपने पीहर खरेकड़ी अजमेर ही रह रही थी और वहीं से मजदूर के लिए पुष्कर जाती थी। दिनांक 11 सितंबर को रोजाना की तरह मुमताज मजदूरी के लिए पुष्कर गई थी। शाम और देर रात तक घर वालों ने पता किया लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। दिनांक 13 सितंबर को जिला शाहपुरा थाना रायला क्षेत्र में हड्डी फैक्ट्री के पास तालाब किनारे उसकी लाश मिली, जिसकी रिपोर्ट जिला शाहपुरा थाना क्षेत्र रायला में मुकदमा नंबर 80/24 पर दर्ज की गई। मगर पुलिस प्रशासन का लचीला रवैया व ढीलापन के चलते आज तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल सका है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समाज के गरीब परिवार की मदद करें और समस्त पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान करें। खरेकड़ी की हमारी बहन बेटी मुमताज बानो 11 सितंबर को मजदूरी के लिए निकली थी पुष्कर, तो मजदूरी से निकली, घर नहीं आई, लापता हो गई। परिवार वालों ने तलाश किया, कहीं पता नहीं चला। 13 सितंबर को रायला थाना क्षेत्र जिला शाहपुरा से पुलिस थाने से फ़ोन आया कि एक हड्डी फैक्ट्री के पास नदी के किनारे एक डेड बॉडी मिली है। जब परिवार के लोगों ने, उनके पति ने जब जाके शिनाख्त की तो महिला मुमताज देवी मुमताज बानो ही थी। वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के आज 15 दिन बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया ऐसा लग रहा है हमको, और हमें पूरा अंदेशा है कि युवती का यहाँ से पुष्कर से अपहरण कर बलात्कार कर हत्या की गई। हत्या भी निर्मम तरीके से की गई, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाएं। और क्योंकि महिला रोज मजदूरी करने वाली थी तो आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर परिवार है, तो उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिले। हमने मुख्यमंत्री मोदी को जरिए कलेक्टर साहब के ज्ञापन सौंपा है और हमें हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र हत्यारे पकड़े और पीड़िता को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये आज हम हमारे समाज की एक युवती मुमताज बानो खरेकड़ी गांव की है, जो 11 तारीख को गांव खरेकड़ी से पुष्कर की ओर काम पे गई थी। तो काम पे वहाँ से काम पे गई, उसके बाद शाम को घर पे नहीं लौटने से पता चला भाई आज आई क्यों नहीं, क्या बात है। तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी जो है तलाशी वगैरह भी हुई, तो पता चला कि फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टा इसके माध्यम से पता चला कि भाई वो पुष्कर से जो किसी के साथ बैठ करके और इधर जो भी अपराधी थे बरायला थाने के वहाँ हड्डी फैक्ट्री के वहाँ उसकी लाश मिली है। तो इस चीज़ को लेकर के हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है सभी समाज के लोगों ने, समाज के पदाधिकारी हमारे, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान की सरकार अपने आप को ईमानदार स्वच्छ छवि की बात करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो अपराधियों से बे आमजन पे विश्वास मैं नहीं समझता हूँ, अपराधियों में कोई बे नहीं है और आमजन खुलेआम घूम रहा है। मैं अभी दो दिन पहले का किशनगढ़ का जो मामला हुआ उसके अंदर 10 के 10 आरोपी पकड़े गए, तो आज हमारे को इस मुकदमे को कम से कम 12 से 15 दिन हो गए, मामला सुनने का सुनने ही है। तो मेरा ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन और सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएँ कि अपराधी तुरंत पकड़ा जाए और हमारी जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले।